क्या हुआ था पिछले दिनों सोशल मीडिया में? नहीं, छोड़े, अरे बताएं ना, कम हो। नहीं, वो कोई ना कोई चलती रहती है। बताइए दे, सबको बताइए वैसे भी। हाँ, किसी इंटरव्यू में मैंने कहा कि अब किसी इंटरव्यू में ये थी वो, वो ये नहीं, मेरा शो तो ये मुझे भूल गया। मैंने जब आपको कॉल की, हाँ, वो जब शो कर रहे थे, हाँ, तो आपने कहा कि अच्छा बीबी कोई रिश्ते विश्ते आते होंगे। और पूरा इंटरव्यू में कुछ नहीं आया, उन्होंने यही इतना हाईलाइट किया। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, अगर आया तो मेरे नवासे से रिश्ता मांग ले मेरा। और उसको पता नहीं किस किस तरह उन्होंने लिखा और दिखाया। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लोगों को क्रशेस भी होते हैं, लोगों की एडमिरेशन भी होती है। करेक्ट। अब वो कई दफा तो मैं तो कहती हूँ कुछ जरा ज्यादा सुनाए ना वाकया ऐसा। नहीं छोड़ दे, अब वाकया अच्छा इना आपका भी आते हो भैया से हो जाता है। मैं आपको बता दूं, कल रात को मैं अपनी दोस्त के साथ बैठ के एक जगह चाय पराठा हम लोग खा रहे थे। अब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, ये क्लिप वायरल होगा। होने दे। हम रात को बैठे हुए चाय पराठा एक जगह खा रहे थे, मैं और मेरी दोस्त। अब लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पीपल आर सो काइंड, कोई तस्वीर खिंचा रहा है, कोई वैसे कह रहा है कि आपका ये ड्रामा बड़ा अच्छा, आपकी वो बड़ा अच्छा है। अब एकदम से वो कुछ चार पांच लड़के आए और उन्होंने कहा सलाम अलैकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, फिर अपनी बातों में लग गए। अब वो एक लड़का ना मुझे यूं देख, आई होप यू डोंट माइंड आई एम स्टेयरिंग। मैंने कहा नो, आई काइंड ऑफ डू माइंड, मतलब बेटा साथ ही। मैंने कहा बेटा क्या हो गया, आपकी अपनी आंखें हैं। मैंने कहा अभी तक तो हैं, अल्लाह का एहसान है। बट मुझे लगा कि वो इतना इनैमर्ड था कि उसको थोड़ा सा सीरियल लग रहा था शायद, उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं उसको चाय पराठा खाती हुई नजर आ जाऊंगी। यू नो, ये भी एक चीज़ होती है। सो उसमें बुरा मनाने वाली कोई बात थी, वो इतना ज्यादा वो हो रहा था कि फिर उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छा यार चलो बस, अब चलो खुदाफिस करो, निकलो। मतलब क्या हो गया तुम्हें? और अगर किसी को इवन मोहब्बत भी फील हो रही है और वो आपसे तमीज से इजहार कर रहे हैं तो क्या बुराई है? और वो बेचारा बोल भी रहा है, वो यूं मुझे देख रहा है, मुझे हंसी भी आ गई। तो मैं तो फौरन कहती हूं बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके। ना कोई मैसेजेस में भी ऐसा आता हो कि मैं पागल हूं, मुझे क्रश है आपके ऊपर, आप बहुत मुझे अच्छी लगती है ना। देखिए बात हुई ना कि किस तरह से बोला। सारी दुनिया में लोग आर्टिस्ट से इस तरह उनको मोहब्बत होती है, एक अलग तरह की निभाना चाह रही है। आप अपना तो बताएं ना, आप उधर देखे ना सबा, आप उधर उधर देखे क्या क्रश वाला वाक्य बहुत हो गया, बहुत हो गया, बता ही दे। कुछ भी नहीं, सबा ने तो बता ही ना, तुम बताओ, आप बताएं, अब आपकी बारी है। हाँ बताएं, ऐसा होता है तो कैसे होता है? लोग डीएम्स कर देते हैं, कह देते हैं, मतलब ये भी हो जाता है कि यू नो इफ यू वांट टू गेट मैरिड आई एम देयर। मैं कहती हूं बेटा आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, थैंक यू वेरी मच। बेटा बोल के आप फौरन बराबर कर देते हैं हम हिसाब में, केस क्लोज्ड। वैसे इतने माशाल्लाह जवान जहान बच्चे हमारे कैमरे पे आ जाते हैं तो उनको भी तो बेटा कह ही देते हैं ना। मेरी मैं ये कहती हूँ हमेशा कि जो ड्रामे देखने वाली ऑडियंस है, जो औरतें हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 35 से 55 पे जा रही हैं। उनका हीरो कहाँ है, उनकी हीरोइन किधर है? हम इतने यंग बच्चों की लव स्टोरीज दिखा रहे हैं और जो माँ बाप हैं या जो मैच्योर एक्टर्स हैं उनकी लव स्टोरी कहाँ है? अब जो देख रही है 40 साल 50 साल की औरत, वो 20 साल के बच्चे को तो नहीं देख के मतलब खुश होगी, कहेगी अल्लाह खुश रखे, सही हो जाए इसका अंजाम। लेकिन उसका हीरो कहाँ है जो काबली पुलाव में उसको नजर आया? ठीक है ना, या शहजाद नवाज होते। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या है भाई, हम क्या? अपना ड्रामा भी प्रमोट करें। कौन सा? ये भी है। इनके लिए भी फीलिंग्स हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन अब आप देखिए नीयत खराब है ना उस ड्रामे में। मसला है कि अच्छे आदमी तो बने भी नहीं, कैरेक्टर। अब जिसको है कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए, शादियां कर रहा है, उसको क्या आइडियलाइज करेंगे, कहेंगे इसका तो बहुत एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मिजाज एक बात है, बहुत प्रेशर है इसके साथ। मैच्योर आदमी हो तो सब चलता है, किसी भी एज का हो भाई हो सकता है हीरो। मैच्योर औरत हो नहीं, उसको क्यों नहीं आंटी मोहब्बत हो सकती? और वो क्यों नहीं हमारी? मैं तो सोचती हूँ कि वो जिस, कई दफा ये भी है कि अगर किसी आदमी से किसी औरत की रिलेशनशिप बन रही है और वो हो रहा है भाई, तो वो औरत भी तो किसी उस एज ग्रुप में आ रही है ना, जरूर उसको छोटी सी बच्ची से प्यार करवाना है। नॉर्मल जिंदगी में लोगों की कहानियां होती हैं, आई थिंक एक हमें थोड़ी सी रेंज की जरूरत है कहानियों। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।